करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। Hey, what's up guys? कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइज ये वाला वीडियो जो आप प्रीव्यू पे देखे, अगर आपको भी इसी तरह वीडियोस बनाना है अपना फोटो का, तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपको इस चैनल पे खतरनाक इसी तरह वीडियो एडिटिंग सब देखने को मिलता है। ऑल राइट, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वो भी कर दो। वेल गाइज, इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर लें और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आना होगा, डिस्क्रिप्शन पे दो प्रोजेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको प्रीसेट फाइल भी मिलेंगे तो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, इजीली आप डाउनलोड कर लोगे। अब आपको एक्सएमएल फाइल भी डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा एंड प्रीसेट फाइल भी मिलेगा। मैं रेकमेंड करूंगा आप प्रीसेट फाइल चूज करो अगर आप ये वाला लाइट मोशन यूज कर रहे हो तो। ऑल राइट, अब आपको यहाँ पर दोनों ही प्रीसेट या एक्सएमएल या प्रीसेट फाइल को इंपोर्ट करने के बाद वो प्रोजेक्ट यहाँ पर चले आ जाता है, यानी कि इंपोर्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा, प्लस पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को चूज करके क्रिएट प्रोजेक्ट। देन आपका जो भी इमेजेस है, जितना भी आपका यहाँ पर इमेजेस सब है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पर 9:16 रेशियो वाला फोटो सबको आप चूज़ करो, जैसे कि फोटो चूज करने के बाद इस तरह है, तो 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दो। वरना जैसे कि मैं दूसरा फोटो दिखाता हूँ, सभी ये सब 9:16 रेशियो का ही है, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि ये वाला, देन 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया। अब क्या करो, शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको करंट फ्रेम एज ए पीएनजी, देन एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना होगा। देन एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन पे क्लिक करने से सेव हो जाएगा, देन डिलीट करके नया फोटो को उस तरह एक्सपोर्ट करना होगा। तो इस तरह कुल आपको 6 इमेजेस को यहाँ पर सेव करना होगा। तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। अब गाइज आपको जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नेम रहेगा प्लेडेट बाय टेक्निकल सोहेल, और एक पे रहेगा सेक इफेक्ट, प्लेडेट बाय सेक इफेक्ट बाय टेक्निकल सोहेल। तो यहाँ पर मैं गलती से 2 बार टाइप कर दिया हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद आपको इस तरह देखने को मिलता है। अगर आप एक्सएमएल फाइल यूज़ कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे ऑडियो मिल जाएगा, वीडियो मिलेगा, वीडियो का ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बैक करना होगा और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, इस तरह आपको स्टार्टिंग पे टेक्निकल सोहेल एंड नीचे पे एक लेयर मिलेगा। तो ये आई का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोनों लेयर को इस तरह सिलेक्ट करना होगा और ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स करना होगा, देन बैक करना होगा। बैक करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, 9:16 रेशियो क्रिएट ए प्रोजेक्ट, और ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर्स करना होगा। अब यहाँ पर गाइस आपको ग्रुप जो है टेक्निकल सोहेल इस पर क्लिक करना होगा, एडिट ग्रुप पर जाना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको 9:16 रेशियो पे क्लिक करना होगा, एडिट ग्रुप पर जाना होगा, और यहाँ पर गाइस आपको जितना सारा यहाँ पर लेयर्स है, नीचे से मैं करता हूं, तो नीचे लेयर पे क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल रिप्लेस, और यहां पर गाइस आपको क्या करना होगा, जो भी 9:16 रेशियो वाला फोटोज है आपको उन सबको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर नेक्स्ट लेयर पे मैं क्लिक करके नेक्स्ट वाला जो भी मेरा 9:16 रेशियो वाला फोटोज होगा मैं चूज कर लूंगा उसे। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, तो जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर आपका जो ये लेयर है, एंड वाला लेयर है, इस वाला लेयर को छोड़कर आपको किस तरह फोटोज इंपोर्ट करने पड़ेगा, लास्ट वाला लेयर पे आपको थोड़ा फोटो जूम होना चाहिए, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एडिट ग्रुप पे आप अगर जाते हो यहाँ पर, जैसे कि तो ये जो सबसे एंड पे है, ये वाला लेयर जो स्टार्ट हो रहा है, इस पे कलर एंड फिल रिप्लेस, फोटो जो है आपका वो कुछ फोटो जूम रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉप कर लें, जैसे कि आपका फेस थोड़ा ज़्यादा दिखे फ्रेम पे। तो जैसे कि ये वाला दिख रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, देन जितना सारा उसके बाद नेक्स्ट लेयर सब है उन सब पे मैं नॉर्मली जो भी आता है वो सब को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, नेक्स्ट लेयर पे मैं नेक्स्ट फोटोज़ को यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे एंड वाला लेयर पे मैं जूम करके रखा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह आपका फोटो स्लाइड चेंज होगा, और ये जो आपका एंड वाला फोटो है ये थोड़ा जूम इसीलिए है क्योंकि जब वो फोटो जूम होगा ना तो फेस के साथ, जब मतलब आपको आप समझ पाओगे
मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब आपका वीडियो लास्ट पे जूम होता है तो फेस हाइड हो जाता है, हाइड होने की वजह से सही नहीं लगता, इसीलिए अब अगर आप इस तरह जूम रखते हो तो सही लगेगा। अब यहाँ पर गाइज आपको बैक करना है 9:16 ऐसे वाला फोटोज़ पे, ग्रुप के अंदर आप सेट कर चुके इन फोटो सबको। देन इंस्टाग्राम PNG, अब यहाँ पर आपको कोई भी इंस्टाग्राम पर जाना होगा और यहाँ पर जैसे कि आपको टेक्निकल सोइल सर्च करना होगा। टेक्निकल सोइल सर्च करने के बाद अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज़ गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है फॉलो कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा रील्स यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका जो भी क्रिएटर का चाहिए आपको उसका कोई भी एक पोस्ट पे इस तरह चले आ जाना है और यहाँ पर इस तरह स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरह, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाता हूँ प्लस पे क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी पे जाना होगा और यहाँ पर गाइस इमेज पे जाना होगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट करना होगा। स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, इमेज साइज पे जाना होगा और इधर टाइप करना होगा 9 और इधर टाइप करना पड़ेगा 16, देन ओके। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर गाइस आपको ये वाला आइकन पर क्लिक करके क्रॉप का ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर जैसे कि ये लिसा का जैसे कि नेम है इसे मैं रखता हूँ अपर की तरफ थोड़ा इस तरह, और यहाँ पर राइट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर रिलेटिव साइज पे जाके 100 कर देना होगा और ये वाला आइकन पे मिडिल पे और एक अपर पे इस तरह सेट कर देना होगा। प्लस पे क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी पे चूज़ करना होगा, उस वही वाला स्क्रीनशॉट को फिर से इंपोर्ट करना होगा और यहाँ पर नीचे का क्रॉप कर लेता हूँ मैं इस तरह पार्ट, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। इस तरह पार्ट क्रॉप करने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे जाके 100 कर देना पड़ेगा और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पे जाके नीचे कर देना होगा, रिलेटिव साइज पे जाके बढ़ा देना होगा। देन ये वाला आइकन पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करना होगा, सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज इमेज कस्टम अल्ट्रा सेव टू गैलरी, सेव टू गैलरी में कर लिया। देन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, इंस्टाग्राम PNG जो है इस पर क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल रिप्लेस, और जो आप सेव किए उसे चूज़ करना होगा। तो देख सकते हैं इस तरह चूज़ करने के बाद आपका इस तरह ये फोटो इस तरह स्लाइड होगा। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह जूम हो जाएगा उसके बाद। तो मैं बैक करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, ये जो देख सकते हैं इस तरह आपका ये जो है बन के रेडी हो गया है। शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सेव कर चुका, अब आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, फिर से नियर 9:16 रेशियो वाला एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको एक वीडियो मिलेगा, वो वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड कर लेना होगा और उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेना होगा यहाँ पर, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको ये वाला वीडियो को इंपोर्ट करना होगा, देन आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा और आप जो एक्सपोर्ट किए वाला वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, जो कि है ये वाला वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद इससे आपको इस तरह क्लिक करना होगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इस तरह साइज को छोटा कर लेना होगा। छोटा कर लेता हूँ मैं। छोटा करने के बाद ये जो येलो कलर है इसके अपर पे इस तरह सेट कर देना होगा आपको। तो यहाँ पर मैं सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं नीचे का पार्ट को थोड़ा सा इधर मैं नीचे कर लेता हूँ इस तरह सही से। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं नीचे पे सेट कर चुका। अब आपको यहाँ पर इस तरह भी आप रख सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हैं ये वाला जो लेयर इसे होल्ड करके नीचे कर लीजिएगा और ये जो आपका लेयर है इस पर जाना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड इफेक्ट पे जाना होगा, क्रोमा की को चूज़ करना होगा, ग्रीन स्क्रीन को, और ये जो की कलर है इसे आपको येलो चूज़ कर लेना होगा। चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह आपको देखने को मिलेगा, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके आपको इसे भी एक्सपोर्ट कर लेना होगा। मैं सेव कर चुका हूँ, अब आपको बैक करके आ जाना है इधर और यहाँ पर उसके बाद आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट नहीं, आपको यहाँ पर जो आपका बिटमार्क प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद पहला जो मार्क आता है 0.05 सेकंड पर, इस पर जाना होगा, प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना होगा और जो आप अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट किए वो वाला वीडियो को इम्पोर्ट करना होगा। वो वाला वीडियो इम्पोर्ट करने के बाद आपको अपना उस मार्क तक यहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक करके 11.20 सेकंड तक एक्सटेंड कर देना होगा, एक्सटेंड नहीं ड्रैग कर देना होगा, तब ये सही इस मार्क से सही से स्टार्ट होता होगा। अब ये जो लेयर सब इसे आपको होल्ड करके नीचे कर लेना होगा इस तरह, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आपको हो गया है। अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना होगा और आपका जितना सारा फोटोज़ है वन बाय वन इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं कोई भी एक जैसे कि इमेज दिखाता हूँ, ये वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ। फोटो को जूम करने के बाद इस तरह सेट कर लेना है आपको, देन नेक्स्ट मार्क पर कट कर देना है, देन इस मार्क से नया फोटो को इंपोर्ट करना है जो भी आपका फोटोज़ है। तो जैसे कि मैं ये वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ, देन 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, नेक्स्ट मार्क पे कट, देन इस मार्क से नया फोटो, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, देन 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिएगा, अगर आपका फोटो फिट रहता तो ठीक है, वरना फिट कर लीजिएगा। तो इस तरह मैं वन बाय वन इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैं फोटोशॉप को इंपोर्ट कर चुका हूँ, इस तरह आपको भी कर लेना होगा। फोटोशॉप को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना होगा और यहाँ पर आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना होगा। तो ये दो जो लेयर काम हो चुका है, अब आपका ये और एक पर ये,
तो इन जो आपको सेकंड लेयर है इस पर क्लिक करना होगा, ये वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, कॉपी लेयर करना होगा, क्या कॉपी लेयर, देन अपना बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा और यहाँ पर जो आपका ये लिरिक्स सॉरी ये जो आप एलाइट मोशन से वीडियो बनाए इस पर क्लिक करना होगा, देन ये वाला आइकन पे क्लिक करना होगा और ये जो पेस्ट स्टाइल इसका कॉर्नर पे एक एरो है इस पर क्लिक करना होगा, कलर पे क्लिक करना होगा और पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद एक उस पर मोशन आ जाता है जितना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट पे मैं इसीलिए ये वाला फ़ोटो यूज़ करने कह रहा था, आपका ये फ़ोटो इस तरह जूम होगा, जब भी जूम होगा ना ये इस तरह सेट हो जाता है। अभी फेस दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है, अगर आपका फेस इस तरह हाइड हो जाता तो सही नहीं लगता। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना होगा, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर फिर से आपको जाना होगा और एंड पे जो ये वाला फोटोज है इस पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना होगा, देन बैक करके फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट और यहाँ पर गाइज आपका जितना सारा उसके बाद फोटोज लेयर है जो ये सब है, इन फोटोज लेयर पे इस तरह थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट करना है, फोटो लेयर पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट, फोटो लेयर पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। अगर आपको लग रहा है मैं काफ़ी स्पीड कह रहा हूँ तो आप स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को यूट्यूब के, आप थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, तो इस तरह फोटोज पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट, फोटोज़ लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट, फोटोज़ लेयर पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। ऑलराइट, मैं सारा लेयर्स पे पेस्ट कर चुका, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो तीन लेयर है इन तीनों लेयर को इस तरह होल्ड करना होगा, होल्ड करने के बाद सॉरी आई का ऑप्शन है ना मैं दिखाता हूँ, तो इसे मैं सबसे पहले अपर की तरफ इस तरह आपको ड्रैग कर देना है, तो मैं इस तरह ड्रैग कर देता हूँ, तो इस तरह ड्रैग करने के बाद इन लेयर सबको होल्ड करके आप ड्रैग करें तब सही होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आई का ऑप्शन है, ये वाला आई का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सब ऑन कर दोगे तो ये सही लगता है देखने में, काफ़ी कूल लगता है। और यहाँ पर गाइज आपका जो वीडियो है वो भी बनके रेडी हो चुका है, अगर आप कोई पार्टिकल वीडियो ये सब लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, देन शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, I'm dressed to play them to you.